पागबड़ा के गांव समाथल में उस समय हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। जब तक कोई समझ पाता तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मकान में उस वक्त आग लगी जब घर के सभी सदस्य एक रिश्तेदार की मौत में गए हुए थे। पीड़ित गृह स्वामी मोहम्मद सुलेमान पुत्र जमील के अनुसार उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ गए हुए थे। पड़ोसी द्वारा फोन पर दी गई सूचना पर जब वो गांव समाथल पहुंचे तो उनका मकान जलकर खाक हो गया था। सुलेमान द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री की शादी अनकरीब थी और दहेज भी खरीदा जा रहा था जो सब आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित द्वारा मदद की गुहार लगाई गई है। हम लोग सारे नाना के इंतकाल हो गए तो हो गए थे घर के टाइम। अब वहीं फ़ोन पहुंचा था हमारे पास कि यहाँ आग लग गई है। इतना मूव नहीं देख पाए तो उनका और वापसी ऐसे भागे आकर के देखा सब कुछ यहाँ तबाह हो चुका था, जल चुका था सारा। क्या क्या जला है आपका? टोटल एक कपड़ों को छोड़कर शरीर पर, बाकी सब कुछ जल चुका है। कितने का नुकसान रहा होगा? तकरीबन 6 लाख के करीब का नुकसान है इसमें। सारा दहेज का भी थोड़ा इंतजाम था। शादी होने वाली थी? जी हाँ। किसकी शादी होने वाली? बहन की शादी होने वाली है। तो अभी कोई तहसील से कोई इधर आया है देखने के लिए? अभी कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप? बस ये चाहते हैं जो नुकसान हुआ कुछ सरकार मदद करे उसके।